नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पर। और आज हम देखने वाले हैं पेपर बैग्स राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द्वारा, जो हाल ही में प्रकाशित किए गए थे। इसमें है बॉर्न इन ब्लड, राजनगर रक्षक और एंड गेम, मतलब बाल चरित्र सीरीज आपकी। लेट्स सी दम वन बाय वन। ओके, आई विल स्टार्ट विद बॉर्न इन ब्लड। सो ये देखिए, ये बॉर्न इन ब्लड सीरीज़ है, पेपर बैग है, और ये एक पेपर स्टिकर है साथ में, और एक जिंक, ये भेड़िया का विलन है, इसका ट्रेडिंग कार्ड है। ओके, और इसके बाद फिर यहाँ पे एक है भोकाल का ट्रेडिंग कार्ड, साथ में परमाणु का एक स्टिकर, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये पार्ट टू है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है वाइटर टोड्स का एक स्टिकर और इंस्पेक्टर स्टील का एक ट्रेडिंग कार्ड, क्या बात है। और ये ओके, इसके बाद है परमाणु का एक स्टिकर और भेड़िया के कैरेक्टर यानी उसकी मदर सुवरिया का एक, सुरवया का एक ट्रेडिंग कार्ड। ओके, और उसके बाद यहाँ पे है आपका निकल पड़ा डोगा, ये पार्ट टू, ये पार्ट थ्री। ओके, और ये है मेरे ख्याल से आपके बादशाह खान और सूरज, ये भी एक ट्रेडिंग कार्ड है और ये स्टिकर है। ओके, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः। ओके, सो ये देखिए गाइस, ये पहला पार्ट है डोगा, निकल पड़ा डोगा। ओके, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। ओके, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है आपका भूखा डोगा, ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रही है। उसके बाद है सोजा डोगा, थर्ड पार्ट है। मौलिक संस्करण है मित्रों, और आप इन्हें ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है और दूसरे सेलर्स पे भी अवेलेबल है ये। और नासूर डोगा, ये देखिए बॉर्न ब्लड, बहुत बढ़िया कहानियाँ थी, बहुत ही मार्मिक कहानियाँ थी, और अगर आप संवेदनशील कहानियाँ पढ़ते हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए ही है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। जैसे डोगा हिंदू है सीरीज़ है, वैसे ही बॉर्न इन ब्लड सीरीज़ भी है, और डेफिनेटली आप लोग इसे मंगवाइए और पढ़िए। सो गाइस, इसे मैं अलग कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद नज़र मारेंगे हम राजनगर रिबूट। ओके, सो पहले स्टिकर देख लेते हैं वन बाय वन। दिस इज़ ब्लैक कैट एंड दिस इज़ नागराज, देख सकते हैं आप, नागराज का ट्रेडिंग कार्ड है, ब्लैक कैट का स्टिकर है। ये राजनगर रिबूट, ये क्वालिटी ग्लॉसी है, मैट ग्लॉसी पेजेस हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी है। उसके बाद यहाँ पे एक इंस्पेक्टर स्टील का स्टिकर है, नरेश कुमार जी द्वारा ड्रॉ किया हुआ, और ब्लैक कैट का एक और स्टिकर, क्या बात है, ये ट्रेडिंग कार्ड है गाइस, सॉरी। और ये क्या है, हाइबर नेशन, ये एक धागा निकला हुआ है देखिए, बाइंडिंग। ओके, हैमर दिख गया, स्टील पीछे ऐड है, देखिए क्या बात है। ओके, ये एक और इंस्पेक्टर स्टील का ट्रेडिंग कार्ड और स्टील का एक स्टिकर भी, तो स्टील के स्टिकर तो शायद ही कभी देखे हो, मैंने पहली बार देखे हैं। एंड दिस इज इंस्पेक्टर स्टील, पूरा बायोडाटा है, क्या बात है। ओके, राजनगर रिलोडेड, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। देन यहाँ पे ये शायद नताशा है स्टिकर में, और इसके साथ है यहाँ पे नागराज, ये ट्रेडिंग कार्ड है, और ये कौन सी कॉमिक्स है, राजनगर रणक्षेत्र। ओके, तो ये मेरे ख्याल से राजनगर रक्षक श्रृंखला है दोस्तों, और इसका सीई भी बहुत जल्द आने वाला है। ये पेपर बैग्स हैं, ये मेरे पास नहीं थे, मेरे पास पुराना सीई है जो 2018 के आसपास आया था, तो पेपर बैग मैंने मंगवाए हैं अभी। और ये ध्रुव, और ये फिर से इंस्पेक्टर स्टील का एक ट्रेडिंग कार्ड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। राजनगर उद्धारक, और सब ग्लॉसी फिनिश में है, और ये स्टोरी बहुत बढ़िया है,
नितिन मिश्रा, स्तुति मिश्रा जी ने साथ मिलकर लिखी है। आपको आनंद आएगा जब आप पढ़ेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे है, ओहो, चंडिका का एक शानदार स्टिकर और साथ में है परमाणु और योद्धा का एक ट्रेडिंग कार्ड। ये टक्कर के समय का ट्रेडिंग कार्ड है जब परमाणु और योद्धा टकराए थे। ओके, और ये आर्टवर्क, इसको बताने की ज़रूरत नहीं किसका आर्टवर्क है। आर्टिस्ट हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन वो अपने आर्ट से हमेशा ज़िंदा रहेंगे। एंड दिस मस्ट बी अनुपम सर आर्टवर्क, डेफिनेटली। या राजनगर रक्षक, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हेमंत जी का आर्टवर्क है। अपने समय की काफ़ी अच्छी कहानियाँ दोस्तों, इनमें बहुत बेहतरीन कहानियाँ हैं। मैकेनिक, क्या एक से एक बढ़कर विलेन है स्टील के कॉमिक्सों में भी। और उसके बाद यहाँ पे मित्रों हैं बाल चरित्र सीरीज, लेट्स सी वन बाय वन। ओके, ये ध्रुव पंच कर रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और साथ में है विषनखा, ये कॉमिक्स आज तक नहीं मिली, बहुत सर्च किया मैंने, किसी के पास हो तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। और ये आखिरी पार्ट है, एंड गेम, काफ़ी मोटी कॉमिक बुक है ये। और इसके कलेक्ट एडिशन है मेरे पास, पेपरबैक काफ़ी पुराने हो गए थे तो मैंने मंगवाए हैं फिर से एक बार, इतना तो बनता है। और ये देखिए ध्रुव का एक स्टिकर और सोडांगी का एक ट्रेडिंग कार्ड, अच्छा क्या बात है। और ये है हंटर्स, ये पहली कॉमिक्स है सीरीज़ की। ओके, और बहुत ही खतरनाक मैं कहूँ तो शुरुआत हुई थी इस श्रृंखला की। पाठकों में बहुत क्रेज़ है इस सीरीज़ का, और इसका भी सीई भी आने वाला है ना। और ये देखिए परमाणु का एक कार्ड है, ट्रेडिंग कार्ड, और पीछे योद्धा भी है। ओके, और ये ध्रुव का एक स्टिकर साथ में। ओके, ये क्या है, अच्छा फिनिक्स। ओके, इसमें भी कुछ गम वगैरह लगा हुआ है ऐसा लग रहा है। ये गम आजकल पता नहीं क्यों लग रहे हैं कॉमिक्स में कवर पे, इससे क्या कवर ख़राब हो जाता है, देखिए आप, है ना, देख ही रहे हैं, कुछ उपाय करना पड़ेगा इनका। ओके, आर्ट वर्क अनुपम जी का तो कातिल आर्ट वर्क है, कमाल, मतलब ओहो क्या बात है। मौलिक संस्करण है दोस्तों, सो ओल्ड एड्स मिलेंगे। सो कोई बहुत पुरानी सीरीज़ नहीं है, कुछ वर्ष पहले की है, तो जो मित्र पढ़ चुके हैं वो जानते हैं सीरीज़ कैसी है। अगेन ध्रुव का एक स्टिकर और साथ में चुम्बा का एक ट्रेडिंग कार्ड, क्या बात है भाई, सबसे डरपोक विलन ध्रुव की कॉमिक्स का। और नो मैंस लैंड, ये तो बहुत बढ़िया कहानी है। स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ी तो मज़ा ख़राब हो जाएगा, बट बहुत अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट कहानी है। ओके, देन मुगाम्बो, फिर से ये ट्रेडिंग कार्ड मेरे पास आ चुका है, मेरे ख्याल से आठवां हुआ। ओके, यू आर एट्थ। उसके बाद ये क्या है, ध्रुव कुछ पकड़ रहा है, नया आर्टवर्क है आप देख सकते हैं, पुराना आर्टवर्क नहीं है ये। एंड उसके बाद यहाँ पे फ्लैशबैक कवर देखिए आप यार, कमाल का कवर बनाते हैं अनुपम सर। ओह, आर्ट भी बड़ा शानदार है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए फ्लैशबैक, और अल्टीमेटली लास्ट कॉमिक्स है सीरीज़। मैंने कॉमिक्स सीरीज़ वाइज तो नहीं दिखाई आपको, मतलब 1 2 3 करके जैसे रखी हुई थी वैसे निकाल दी। तो ये है ध्रुव, और यहाँ पे है धनंजय उसका फ्रेंड। ओके, और ये है डेड एंड। ओके, सो ये मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट कॉमिक्स है सीरीज़ की। ओके, स्वर्णनगरी की तबाही, और यहाँ पे कुछ बढ़िया आर्टवर्क, और आप देख सकते हैं क्या बात है। राज कॉमिक्स ऐप तो ये चल नहीं रहा आजकल, तो आप इससे भी दूर ही रहिए जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती। सो गाइस, ये थी अनबॉक्सिंग राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द्वारा हाल ही में प्रकाशित पेपरबैक्स की। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, या आप और क्या देखना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, कॉमिक्स बाइट।